हाय स्टूडेंट्स हाउ आर यू एंड व्हाट अबाउट योर स्टडी अच्छी जा रही होगी बस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके चलना है और की प्रैक्टिस करते रहना है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जरूर सोल्व करना है टॉपिक वाइज और स्टूडेंट्स अगर इस तरह से आप ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक वे में चलेंगे डाउट्स को क्लियर करेंगे अपने ग्रुप में अपने टीचर से क्वेश्चन रेज करेंगे तो देखना आपके लिए चीजें बड़ी आसान होने वाली हैं आज हम ले रहे हैं चैप्टर फोर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म And topics of today are forces between two infinitely long straight parallel conducting wires, torque on a rectangular current loop in a uniform magnetic field and circular current loop as a magnetic dipole. Let us start. फोर्स इज बिटवीन टू इन फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट पैरल कंडक्टर कैरिंग करंट तो यहां पे हम मैग्नेटिक फोर्स स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स बिटवीन दीज टू करंट कैरिंग वायरस तो मान लीजिए आई वन करंट इज फ्लोइंग इन फर्स्ट वायर स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स हैं और आई टू करंट इन सेकेंड वायर एंड करंट वी आर टेकिंग द केस करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन लेट आर बी द सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स तो आप ये देखिए कि हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि करंट कैरिंग वायर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो यहां पे हम पहले मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे पहले वायर में जो करंट है उसकी वजह से दूसरे वायर के किसी भी पॉइंट पे लोकेशन पे तो पहले वायर में करंट है और दूसरे वायर पे हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो मान लीजिए हम इस मैग्नेटिक फील्ड को बी वन नाम दे रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सेकेंड वायर ड्यू टू करंट इन फर्स्ट वायर करंट इन फर्स्ट वायर तो फर्स्ट वायर में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको बी वन नाम देंगे मान लीजिए और बी वन की वैल्यू होगी म्योनोट अपोन फोर पाई टू आई वन करंट इन फर्स्ट वायर और आर हम डिस्टेंस की बात करें जिस डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और सेकेंड वायर का हर एक पॉइंट पहले वायर से आर डिस्टेंस पे तो सेकेंड वायर के हर एक पॉइंट पे फर्स्ट वायर की वजह से बी वन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा और इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें जो इस फिगर एम में केस है इसके हिसाब से राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम uh, रूल के हिसाब से तो इस बीवन की डायरेक्शन होगी इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन और पेपर ऑन विच यू आर राइटिंग तो बी वन की डायरेक्शन हो गई B1 मैग्नेटिक फील्ड में अब आप आपका सेकेंड वायर है तो जब सेकेंड वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसको एक फोर्स अप्लाई होगा देन फोर्स ऑन सेकेंड वायर और कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर दी वन इज गिवन बाई एंड दैट फोर्स अगर हम इसको एफ टू क्योंकि सेकेंड वायर पे फोर्स लग रहा है तो एफ टू वन डैश हम नाम दे देते हैं आई एल बी साइन थीटा हमने पढ़ा था फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड तो करंट आपके वायर में है i2 मान लीजिए इसकी लेंथ हम कोई कंसीडर कोई पार्ट ले लेते हैं l2 और ये b1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा और साइन यहाँ पे 90 रहेगा क्यों क्योंकि il और क्रॉस b का हम लेते हैं तो करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में यहां पे sin 90 डिग्री है तो i2 l2 b1 तो अगर हम b1 की वैल्यू पहली इक्वेशन से रखें और इसको लिक के यहां रखकर तो ये आ जाएगा म्योनोट नंबर फोर पाई टू आई वन आई टू अपॉन आर इन टू एल टू अप्लाई होगा और अगर हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं फर्स्ट फिंगर फील्ड के डायरेक्शन में इनवर्ट टू द प्लेन सेंट्रल फिंगर करंट के डायरेक्शन में आई टू के डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट आप करोगे तो थंब आपका अपवर डायरेक्शन में यानी कि जिस पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी एफ टू वन ये सेकेंड वायर से फर्स्ट वायर की तरफ तो एफ टू वन डैश हो गया अब अगर हम फोर्स निकालते पर यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ सेकेंड वायर देन फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बी वन पर यूनिट ऑफ इट्स लेंथ पर यूनिट ऑफ इट्स लेंथ सेकेंड वायर की पर यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा इट इज गिवन बाय एफ टू वन अगर हम इस फोर्स को नाम दें तो एफ टू वन डैश डिवाइड बाय एल टू यू विल गेट म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई वन आई टू अपॉन आर एल टू से आप डिवाइड करके फर्स्ट पर यूनिट लेंथ पे फोर्स कैलकुलेट कर लिया तो सिंपल और लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन आपने देखी इट इज फर्स्ट वायर तो यहां पे देखा कि आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करके एफ टू वन की डायरेक्शन देख ली और ये दोनों वायर सेकेंड वायर पे फोर्स निकाले तो फर्स्ट वायर की डायरेक्शन में आएगा सिमिलरली अगर हम इसी मेथड को यूज करके फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B2 टू दैट इज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा सेकेंड वायर की वजह से फर्स्ट वायर की पोजिशन पे B2 अगर हम इसे नाम देते हैं और इसकी डायरेक्शन अगर देखें राइट हैंड धम रूल या पाम रूल से तो करंट ये बाहर आउटवर्ड नॉर्मल टू द प्लेन होगा तो B2 की डायरेक्शन हो गई और करंट की डायरेक्शन I1 पता है तो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके अगर आप ये फोर्स लगा निकालते हैं पर यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज गिवन बाय तो यू विल गेट एफ वन टू हम उस फोर्स को नाम देंगे तो आई वन करंट फ्लो कर रही है तो आई वन एल वन बी टू अगर हम लेके इस तरह से अगर फोर्स निकालें एफ वन टू इसे नाम देंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी आई वन एल वन बी टू साइन यहाँ पे भी 90 होगा और अगर आप पर यूनिट एल निकालोगे तो एल वन से डिवाइड करेंगे साइन 91 वन होता तो आई वन बी टू और आई वन बी टू और बी टू की वैल्यू म्यू नोट अपॉन फोर पाई टू आई टू अपॉन आर होगा और आई वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट टू आई वन आई टू अपॉन आर इक्वेशन सेकेंड तो ये फोर्स लगेगा पहले वायर पे सेकेंड वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी पर यूनिट लेंथ पे फर्स्ट वायर की पर यूनिट लेंथ पे सेकेंड वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से फोर्स लगेगा तो एफ वन टू और एफ टू वन अगर आप इक्वेशन वन और टू से देखते हैं तो दोनों इक्वल हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट हैं तो यहां पे भी लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके हम देख सकते हैं फोर्स टूअर्स द सेकेंड वायर अप्लाई होगा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी सी दैट एफ टू वन इज इक्वल एंड अपोजिट टू एफ वन टू तो इट का मतलब दोनों टू लॉन्ग पैरल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन एट्रैक्ट ईच अदर तो कंडक्टर्स में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो so स्टूडेंट वो एट्रैक्ट करेंगे तो so, यहां पर हम कह सकते पैरल करंट अट्रैक्ट ईच अदर एंड एंटी पैरल करंट्स अगर इन वायरस में करंट एंटी पैरल हो इन फाइनाइट वायर सेम आई वन करंट फ्लो कर रही है सेकेंड वायर में आई टू करंट फ्लो कर रही है लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में तो पहले वायर की वजह से सेकेंड वायर की पोजिशन पे मैग्नेटिक फील्ड बी वन आप निकालोगे और उस पर जब फोर्स एफ टू वन निकालेंगे तो इस बार आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देखोगे दिस फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स और अगर हम सेकेंड वायर की वजह से फर्स्ट वायर की पोजिशन पे बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी क्रॉस में होगा दैट इज बी टू और इसपे हम फोर्स निकालेंगे तो ये एफ वन टू ये भी रिपल्सिव होगा तो अगर करंट एंटी पैरल है अगर पैरल करंट्स है जो हमने लास्ट इससे प्रीवियस पेज पे स्टडी किया था तो पैरल करंट्स अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को अगर वायर में फ्लो कर रही है और अगर एंटी पैरल करंट्स है एंटी एंटीपैर करंट यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो वो रिपल्शन होगा और ये फिगर आप बी से समझ सकते हैं तो एफ वन टू या एफ टू वन यहां पर भी बराबर ही होगा माइनस एफ वन टू के लेकिन ये रिपल्सिव फोर्स होंगे मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे तो अगर हम यहां पे बात करें एफ टू वन और एफ वन टू के मैग्नीट्यूड की तो चाहे ये फोर्स रिपल्सिव हैं लेकिन इनका मैग्नीट्यूड भी यू विल कैलकुलेट दैट विल बी द सेम तो I1, I2, अगर दो पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रही है आर उनके बीच का स्पेस है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं म्यूनोट अपॉन फोर पाई टू आई वन आई टू अपॉन आर तो इसको समझिए बड़ा आसान है और इसी फॉर्मूले के बेस पे जो हमने इस इक्वेशन में मान लीजिए इक्वेशन थ्री हम बना लेते हैं हम वन एम्पेयर के डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम आई वन इज इक्वल टू आई टू वन एम्पेयर रखें दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस वन मीटर हो तो फिर दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा F21 या F12 वन टू दैट विल बी इक्वल टू टू इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन न्यूटन यू कैन से तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि दस वन एमपैट करोस सेक्शनल एरिया सेपरेटेड बाई वन मीटर इन वैक्यूम कोज इज ए फोर्स ऑफ टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन न्यूटन ऑन ईच मीटर ऑफ अदर वायर ओके okay, तो ये समझ में आ गया होगा इसे थोड़ा ध्यान से देखना नेक्स्ट टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक करंट कैरिंग लूप लिया है इन ए मैग्नेटिक फील्ड और उस पर हम देखना चाहते हैं कि कितना टॉर्क यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि हमने पढ़ा कि करंट कैरिंग वायर पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो यहां अगर हम देखते हैं इन फर्स्ट केस फिगर वन में दिखा है कि वेन बी इज ए कैपिटल बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द लूप तो इन दैट केस ए डी एंड बी सी आर्म्स एक्सपीरियंस नो फोर्स क्योंकि अगर आपका वह मैग्नेटिक फील्ड में हमारा लूप रखा है तो बी सी आर्म और डी ए आर्म में जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरल है तो यहाँ पे आपके इन दोनों आम पे कोई फोर्स नहीं लगेगा लेकिन ए बी आर्म पे एक फोर्स लगेगा आई एल बी साइन थीटा और यहाँ पे अगर हम लेंथ लेते हैं ए इस लूप की और ब्रेथ है स्मॉल बी तो एक फोर्स अप्लाई होगा ए बी आर्म पे और अगर हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करंट अपवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड का मतलब अवे फ्रॉम यू और मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट तो फील्ड जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा दैट विल बी गिवन बाय एफ वन वैक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इन द सेम वे द फोर्स ऑन सी डी आर्म फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे आप दैट इज एफ टू एंड इट इज अपवर्ड डायरेक्शन में तो इस तरह से जो ये दोनों फोर्स अप्लाई होते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा एफ वन इज इक्वल टू एफ टू टू आई एल बी साइन करंट एल की जगह यहां पे लेंथ होगी और दोनों आर्म की लेंथ आई ए है आई ए बी मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन 90 टीयर क्लियर तो ये आपका फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू आई ए बी दे लूप दिल बी गिवन बाई मैग्निट्यूडर ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्वीन द लाइन ऑफ एक्शन और इस केस में यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो आपका लूप है उसकी ब्रेथ ये बीसी और ए डी यू कैन से दैट इज बी तो जब आप एफ वन की वैल्यू रखोगे तो आई ए कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी और यू कैन राइट आई स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी एंड दैट इज इक्वल टू आई कैपिटल ए एरिया ऑफ द लूप स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी की मल्टीप्लाई आप एरिया ऑफ द लूप इंटू कैपिटल बी तो दिस विल बी द टॉर्क अप्लाइड ऑन द लूप बट इफ इन एनी जनरल केस अगर हम जनरल केस की बात करते हैं जब आपका लूप मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बना रहे है एरिया वेक्टर। यहाँ पे एरिया वेक्टर की हम बात करते हैं एंगल की अगर हम बात करें ऊपर वाले केस में तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा था लूप का एरिया वैक्टर यहाँ पे एरिया वैक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रहा है मान लीजिए थीटा तो लूप का एरिया वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और जिसका मैग्निट्यूड लूप के एरिया के बराबर होगा तो ये एंगल अगर थीटा है तो इन दैट केस फोर्स ऑन बी आर्म जिसकी आपने डायरेक्शन देखी थी डाउनवर्ड ही रहेगी एफ वन एफ टू डायरेक्शन में और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अगर एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में थीटा है तो बी सी आर के साथ ये एंगल थीटा बनेगा और बी टू सी बी लेंथ है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन बी साइन थीटा इन दैट केस फोर्स तो दोनों बराबर हैं पहले जो आपने पढ़ा था क्योंकि जो आपके वेक्टर हैं, जो आपकी लेंथ है लूप की ए बी एंड सी डी यह हमेशा लूप के जब भी रोटेट करता रहेगा हर टाइम में इन जो साइड्स हैं ए बी और सी डी इनका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 90 डिग्री ही रहेगा तो एफ वन एफ टू का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो इस बार भी आपको मिलेगा I, L, B, साइन थीटा L की जगह स्मॉल a और साइन तो फोर्स तो आई ए आई ए इंटू कैपिटल बी कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड है बट इन दिस केस द टॉर्क विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ऑफ़ द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ़ फोर्स। अगर इस पॉइंट को मैं डी कहूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन हुआ दैट इज सी डी एंड इट विल बी गिवन बाई एफ वन इंटू बी साइन थीटा तो अगर आप एफ वन की वैल्यू लिखते हैं आई ए बी इंटू स्मॉल बी साइन थीटा तो यू विल गेट आई ए बी कैपिटल बी साइन थीटा और जो ये कैपिटल बी है ये आपका एरिया ऑफ द लूप हुआ तो आई कैपिटल ए से हम इसे डिनोट करेंगे एरिया ऑफ द लूप को दैट इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी बी साइंस आई कैपिटल बी साइन थीटा और अगर लूप में एंटर्स हैं इफ द लूफ हैज एंटर्स कैपिटल एंटर्स इन दैट केस द टॉर्क विल बी गिवेन बाई एन आई ए बी साइन थीटा जो आपका जो टॉर्क था वो एन टाइम्स हो जाएगा इक्वेशन यू कैन से टू इक्वेशन सेकेंड अब नेक्स्ट अगर इसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं तो वी कैन राइट इट टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए इज नॉन एज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप एंड दैट इज गिवन बाय कैपिटल एम तो एम बी साइन थीटा इक्वेशन नंबर टू ए

एम क्रॉस बी वेर एम अभी हमने पढ़ा है एम इज ए वेक्टर विच इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप एंड इट इज गिवन बाय एन आई ए तो इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल तो यहां पे आपने मैग्नेटिक मोमेंट की बात करी और इसकी यूनिट क्या होगी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय इज यहाँ पे आई करंट है और एरिया वेक्टर है तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है तो और स्टूडेंट जो आपने इक्वेशन टू बी में या टू ए में रिलेशन लिया है आप इसको हम अगर इलेक्ट्रो जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इसी तरह के रिलेशन पढ़े थे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क अप्लाई होता है याद करिए रिकॉल करिए इलेक्ट्रिक डाइपोल इस पर फोर्स लगता है क्यू ई माइनस क्यू ई जिसकी वजह से एक टॉर्क लगता है और टॉर्क जब आप निकालते हो दैट इज इक्वल टू आपने निकाला था पीई साइन थीटा और वेक्टर फॉर्म में टॉर्क होता है पी क्रॉस ई तो इट मीन्स पी क्रॉस तो उसी तरह का जो इलेक्ट्रिक एनालॉग जो हमने रिलेशन इक्वेशन टू ए और टू बी में पढ़ा है उसका इलेक्ट्रिक एनालॉग पीई साइन थीटा या पी क्रॉस ई हो गया इसका मतलब हम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं वैन इट इज प्लेस इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो टॉर्क लगता है पी साइन थीटा उसका मैग्नेटिक एनालॉग हो गया एम बी साइन थीटा और वेक्टर फॉर्म भी उसी तरह से आई है पी क्रॉस ई तो यहाँ पे एम क्रॉस बी तो ध्यान से देखे बेटा इसका मतलब मैग्नेट करंट कैरिंग लूप एक डाइपोल की तरह से बिहेव करेगा जिसका एक फेस नॉर्थ पोल और दूसरा फेस साउथ पोल होगा और उसी तरह से इस पे एक टॉर्क लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल तो मान लीजिए एक करंट लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रही है सर्कुलर सर्कुलर करंट लूप तो इसका फेस स्टूडेंट एक फेस साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करता है जिस एंड पे आपको करंट एंटी क्लोक दिखाई देगी वो फेस इसका नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करता है और जिस फेस पे करंट क्लोक uh, वाइज होगी वहाँ फेज साउथ पोल की तरह से बिहेव करता है तो अगर एक करंट फ्लो कर रही है एक लूप में जिसकी रेडियस आर है तो इसके एक्सिस पे हमने एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया था एंड दैट इज गिवेन बाई म्यो नोट अपॉन फोर पाई टू पाई आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेड टू दावर थ्री

और यू कैन राइट म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई पाई आर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ द लूप एंड डिवाइड डिवाइड एक्स एक्स बड़ा है तो आर इन कंपैरिजन ऑफ एक्स यू हैव टू नेगलेक्ट आर तो यू हैव टू राइट एक्स क्यूब क्यूब तो ये करेक्शन हो गया और आई ए को आप लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द लूप 2m एम डिवाइड बाई एक्स क्यूब तो इट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ द लूप तो यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ द करंट कैरिंग लूप तो इसको ए एक्स से हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं एक्सेस पे हैं. तो स्टूडेंट रिकॉल करिए ऐसा ही हमने रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रो स्टेटिक्स में जहां पे हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट पी है उसके x सेंटर से x डिस्टेंस पे जब हम एक्सीएल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ई एक्सीएल होता है याद करिए वन अपॉन फोर पाई एम साइनल नोट टू पी अपॉन आर क्यू तो इक्वेशन वन को इसे कंपेयर करिए बेटा कर ये इलेक्ट्रिकल एनालॉग हो गया आपका इक्वेशन वन का तो सिमिलरली अगर हम इसी तरह से बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड आता है डाइपोल की वजह से वन अपॉन फोर पाई एव साइनल नोट पी अपॉन आर क्यू तो सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर करते हैं द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्विटोरियल प्लेन ऑफ द करंट कैरिंग लूप और मैग्नेटिक डाइपोल विल बी गिवन बाय या शुड बी इक्वल टू म्यू नोट अपॉन फोर पाई एम अपॉन एक्स क्यूब तो अगर आप कंपेयर करें इलेक्ट्रिक डायपोल को मैग्नेटिक डायपोल को तो आपके उसी तरह के रिलेशन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे बस आपको रिकना है रिप्लेस करना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसको हम यहाँ पे एम डिनोट कर रहे हैं क्लियर है स्टूडेंट्स और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाता है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा एक्सेल लाइन पे आपने देख लिया और इक्विटोरियल लाइन पे क्लियर करिए और देखिए अगर वो हमें रिलेशन याद है तो ये हम राइट डाउन कर सकते हैं समझ सकते हैं वेरी इंटरेस्टिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स एटम एज ए मैग्नेटिक डायपोल आज हम स्टडी करेंगे एक एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से बिहेव करता है क्यों करता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड कैन बी कंसिडर्ड ए टाइनी करंट लूप और आपको पता है करंट लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह से बिहेव करता है तो इलेक्ट्रॉन जब रिवोल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो ये एक टाइनी करंट लूप हुआ और इसकी वजह से इसका मतलब एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी वहां पे हो इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एंटीक्लोकवाइ डायरेक्शन इन इट्स ऑर्बिट मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसकी रेडियस वेक्टर और इसका अगर हम बात करते हैं राइट हैंड थम रूल से तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी ये राइट हैंड रूल से जब हम फिंगर्स को वी के डायरेक्शन मिलेंगे तो थम जो एक्सिस पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को बताएगा तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय आर पी साइन यहाँ पे 90 रहेगा बिकॉज आर और पी आर और वी में या पी कही या पी की डायरेक्शन भी यही होगी

रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्विवलेंट टू डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लोक वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो यहां करंट इसके इक्विवेलेंट मानी जाएगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में दैट इज आई क्लोक वाई डायरेक्शन में देन आई करंट इक्विवलेंट करंट विल बी गिवेन बाई चार्ज ऑफ एंड इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई टाइम पीरियड टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ या वन ऑर्बिटल मोशन तो यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू लिखें तो टू पाई आर इज आर और अगर यहाँ पे हम इस इक्वेशन को ए बना देते हैं मान लीजिए या बी इक्वेशन ये हम पहले लिख चुके हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लोप इज गिवेन बाई मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप इज गिवन बाय आई एल से नोट कर रहे हैं Ia, और करंट यहाँ पे ऑफ द लूप दैट इज पाई आर स्क्वे सो यू विल गेट ई वी आर बाई टू और अगर यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम को इंट्रोड्यूस करना चाहे तो एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए डिवाइड बाई टू एम एम वी आर की जगह आप लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो ई बाई टू एम इंटू एल यू विल गेट दिस रिलेशन यू कैन राइट इक्वेशन वन तो आप इन वेक्टर फॉर्म में इसे लिख सकते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वेक्टर फॉर्म म्यूएल इज गिवन बाई टू एम इंटू एल और अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं तो करंट की डायरेक्शन तो क्लोक हो गई तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को घुमाएंगे तो थंब बताएगा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन दैट इज डाउनवर्ड तो एल के अपोजिट हो गई इलेक्ट्रॉन के लिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो तो ये माइनस साइन नहीं आएगा और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटिंग के डायरेक्शन नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में यह अपोजिट हुआ बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज क्लियर है तो इसको जरा ध्यान से समझिए बड़ा आसान है और इसके बेस पे हम कुछ चीजों को यहां पे दो कॉन्स्टेंट को यहां पे डिफाइन करेंगे फर्स्ट मैग्नेटिक कॉन्स्टेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और इसको हम डिफाइन करते हैं द रेश ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इट्स एंगुलर मोमेंटम और अगर हम इक्वेशन जो हमने लास्ट से इसमें पढ़ी है उससे लिखेंगे तो म्यू एल अपोन एल की वैल्यू हो जाएगी ई e बाई टू एम और इसकी अगर हम वैल्यू लिखें इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर नाइनटीन कोलाम डिवाइड बाई टू इंटू मासन पॉइंट माइनसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट पर केजी तो जायरो मैग्नेटिक कॉन्स्टेंट से आप इसे डिफाइन कर सकते दिस कॉन्स्टेंट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड और इसके बाद एक और हम कांस्टेंट लेते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन से हम इसे डिफाइन करते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन और ये क्या है स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि बोर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी से एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट इज गिवन बाय एन एच टू पाई वे आर एन इक्वल टू वन टू थ्री एनसॉन और यहाँ पे अगर हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का तो म्यू एल इज टू ई बाई टू एम इन टू एल एल की जगह आप लिखेंगे एन एच अपॉन टू पाई मैथमेटिक्स है तो सिंपल आपको वैल्यूज रखनी है और यू विल गेट एन इन टू ई एच अपॉन फोर पाई एम तो स्टूडेंट्स अगर हम एन की वैल्यू वन रख दें इफ एन इज इक्वल टू वन तो म्यू एल की मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और यू कैन से मैग्नेट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन मोस्ट ऑर्बिट इज एज बोर्स इसी जो मिनिमम आपको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट मिला है इसी को हम बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं इट इज द नेचुरल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इसका का मतलब स्मोलेस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड इट विल बी गिवन गिवेन बाईच बाई फोर पाई एम और अगर आप इन चीजों को वैल्यूज़ रखेंगे इन कांस्टेंट्स की इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1.6 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 19 ह प्लैन्क कांस्टेंट 6.6 ऐसा यूनिट में वैल्यूज़ रखिए 6.6 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 34 4 पाई 3.14 रखेंगे और m 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू दी पावर माइनस थर्टी वन और जब इन सारी वैल्यूज को आप रखेंगे तो आपकी यूनिट्स आएगी एम ऐसा यूनिट एम मीटर स्क्वायर और जब आप इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो दैट इज 9.27 पॉइंट टू सेवन इन टेन टू दी पावर माइनस ट्वेंटी फोर एमपेयर मीटर स्क्वायर तो इट इज द बोस्ट मैग्नेट्रॉन नेचुरल यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और यू कैन से स्मोलेस्ट वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ध्यान रखना ये आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आप ध्यान से पढ़ेंगे दोबारा वीडियो को देखेंगे तो समझ आ जाएंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू